नमस्कार सभी को। आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले हमारे यहाँ की छोटी सी 7 साल की बच्ची के साथ में, बहन के साथ में फिजिकली टॉर्चर कह सकते हैं, फिजिकली अब्यूज़ किया गया था उनके ही रिलेटिव के द्वारा जो कि टीचर है और उनका नाम है लुप्पी बोजिर। साथ ही साथ उनके वाइफ भी इन्वॉल्व है कहा गया है और वो दोनों ही मैंने अक्यूज़ है। तो आज हम फिर से आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ही जो बहन है वो एडमिट है, तो उनके फैमिली से, उनके फादर से मिलेंगे और अपडेट लेंगे कि क्या अपडेट है अभी पुलिस की तरफ से, क्या कहा गया। साथ ही साथ उनका हेल्थ का भी हम लोग अपडेट लेंगे कि अभी बहन कैसी है। तो चलिए जाते हैं और जानते हैं उसके बारे में। डॉक्टर तो अभी तक बोल रहे हैं थोड़ा कुछ रहना पड़ेगा बोला हुआ है। ये बीमार तो अभी तक ठीक नहीं है, पूरा पेट उत फूल रहा है। उसके बाद ये माता भी उसका ये काम नहीं दे रहा है, उसका अभी तक इतना रिपोर्ट नहीं दिया है डॉक्टर भी। ये एक्चुअली तो बोलने में तो ये तो चीज जो अभी ये हुआ है बोला है, अंदर में भी बहुत इफेक्ट मिला है बोला है। बहुत इज्जत का भी बात है, बोलने के लिए भी दिल नहीं है, बहुत दुख लग रहा हूँ। हम लोग का ये, हम तो दिगालमुख में हम एक घर सिर्फ बेच रहे। हमको पिताजी जो सोता में लेके गया था उधर से, हम ऐसे अधूरू हो के बेता हुआ है, ऐसे मजबूर में हमको फंसा के रख दिया। अभी हम जब ये हो गया भाई भैया लोग को हम मिला है, हम जितना गरीब होने से भी अगर पुलिस लोग एक्शन नहीं लेगा तो बाद में अभी सुन के बाद में हमको ये करने से भी हेल्प करना ही पड़ेगा। जिस हालत में भी आप लोग सुन के नहीं सुना जैसा करना नहीं है। आपने पुलिस वाला से बात किया था ये अपडेट को लेकर? हाँ, ये आलम का ये पुलिस को हम मार्तसोरा को बोला है आप जिस हालत में पकड़ो। अभी तो केस आप लोग का सीजी साहब ने फॉरवर्ड कर दिया ना? हाँ, सीजी साहब में केस को दिया हुआ है। तो बात किया वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज से? अभी तक जस्ट नहीं मिला हुआ है बोला है, दुना है ना नहीं दुना है मालूम नहीं है अभी तक। हम भी इतना कॉम्प्रोम नहीं है। आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट को या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, पुलिस वाला को? अभी तक हम कुछ भी रिपोर्ट नहीं मिला है। ये करो जिस होने से भी, हालत में होने से भी गवर्नमेंट एक्शन ले दिए, हम तो उपाय नहीं है ना, कानून रूल को आप लोग ढूंढ लीजिए। हम इतना में समाप्त करता हूँ। अभी जैसे हमने जो बहन है उनकी पापा से बात की थी, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने कहा है कि और थोड़ा दिन उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा अंडर ऑब्जर्वेशन। साथ ही साथ जब हमने पूछा कि रिगार्डिंग पुलिस से क्या अपडेट है, तो उन्होंने कहा है कि अभी तक पुलिस ढूंढ ही रहे हैं। तो उनके तरफ से बस वही था कि अपील की जल्दी से जल्दी ढूंढ दिया जाए या फिर वो खुद उनका ही यूथ मिलकर वो ढूंढेंगे। तो उसी जैसे ही उनके साथ बात हमने कम्प्लीट की, उसके बाद में हमने सीधे जो सिजुसा पुलिस स्टेशन के जो OC उनसे हमने बात की, हमने अपडेट लेने की कोशिश की। तो पायंग सर का यही कहना है जो कि ऑफिसर इंचार्ज है सिजुसा के, कि अभी तक वो लगे हुए हैं और दूसरे जैसे वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग के भी जितने भी पुलिस कर्मी है वो लगे हुए हैं ताकि वो मैंने की उस लुक्वी बोजिर उसके और उनके वाइफ को ढूंढ निकालने के लिए। वो कह रहे हैं कि वो जल्दी ही पकड़ेंगे उसे और देखना यह होगा, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी अभी स्क्रीन में जो डिस्प्ले जो पिक्चर किया जा रहा है वही मैंने की उस लुक्वी बोजिर, जो कि नाम से या फिर प्रोफेशनली वो टीचर थे, लेकिन टीचर ही जब बच्चों को इस तरीके से टॉर्चर किया जाएगा तो आप खुद सोचिए, जहाँ एक और हम टीचर्स को नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, इस तरीके का दरिंदा हम कह सकते हैं निकल जाता है। तो देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक जो एक मैन अक्यूज़ है लुप्पी बोजिर, मैं फिर से बताना चाहूँगी जो पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन में वो लुप्पी बोजिर है जो कि मैन अक्यूज़ है, जो प्रोफेशनली टीचर्स थे उसके वाइफ के साथ में, वो अभी भी फरार है और पुलिस लगी हुई है ढूंढने के लिए। देखना ये होगा कि कब तक पुलिस डिपार्टमेंट उसे पकड़ती है और अरेस्ट करती है। साथ ही हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी अगर ये इंसान दिखाई देता है, ये मैंने की उस लुक भी बोझे दिखाई देता है, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप कॉन्टेक्ट करें और बताएं और इन्फॉर्म करिए।